चीन के वुहान शहर की जिस लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने का शक है, उसी लैब से अब एक और चेतावनी बाहर निकली है। और वो चेतावनी ये है कि चमगादड़ से पैदा हुआ कोरोना तो महज एक शुरुआत है, अब इस चमगादड़ से सैकड़ों कोरोना वायरस का बाहर निकलना बाकी है। इस चेतावनी को दुनिया हल्के में कतई नहीं ले सकती। आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि ये चेतावनी वुहान लैब के उस डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से आई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि चमगादड़ों से पैदा होने वाले वायरस को पहचानने के मामले में पूरी दुनिया में इन जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इन्हें दुनिया बैट वुमन भी बुलाती है। जिस कोरोना के राज का सच पूरी दुनिया जानना चाहती है, डॉक्टर शी झेंगली उसी कोरोना की हमराज है। जी हाँ, वो चीन के उसी वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिस लैब को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टर शी झेंगली चीन समेत पूरी दुनिया में बैटवुमन के नाम से भी जानी जाती हैं। बैटवुमन का नाम उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि चमगादड़ और चमगादड़ से जुड़े वायरसेस के बारे में जितनी जानकारी ये रखती हैं, उतनी दुनिया में कोई और नहीं रखता। कोरोना फैलने के बाद ये पहला मौका है जब वुहान लैब के डिप्टी डायरेक्टर और बैटवुमन डॉक्टर शी झेंगली दुनिया के सामने आई हैं। और अब ये कह रही हैं कि कोरोना का कहर जो अभी दुनिया पर टूटा है, वो महज तिनके की नोक के बराबर है। कोरोना वायरस से फैली इस महामारी का ये बस अभी ट्रेलर है। इनका कहना है कि कोरोना की पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है। डॉक्टर झेंगली के अनुसार ये तो महज शुरुआत है। अगर हम इस वायरस के प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले से ही जंगली जानवरों के फैलाए अज्ञात वायरस के बारे में जानना चाहिए। डॉक्टर शी झेंगली के मुताबिक चमगादड़ जैसे जंगली जानवरों में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद है। इसलिए कोरोना वायरस से घबराने की बजाय उसकी असली जड़ को समझना होगा। अगर वक्त रहते ये काम हो गया तो ठीक, वरना अभी दुनिया को कोरोना से भी ज्यादा बड़ी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। चमगादड़ों में अभी भी कई और खतरनाक वायरस मौजूद हैं, जिनका पता लगाना जरूरी है।